सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई? सारे बच्चे हाँ या ना? हाँ यस ओके फाइन। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आई होप आप सभी प्रॉपरली अच्छे हो एंड आप सबका तबीयत भी अच्छा है, आप सब सेफ हो, ठीक है ना। एंड यस, बारिश बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन मैं आप सभी को और एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ठीक है ना। क्लास में जब आते हो, ठीक है ना, जब क्लास में आते हो, जब क्लास में पढ़ाई वढ़ाई करते हो, तो क्लास का डेकोरम होता है, वो डेकोरम को मेंटेन करो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे इंसान में देखो पैसे सब कमाते हैं। फर्क क्या होता है ना, फर्क ये होता है कि आप कैसे चीजों का हैंडल करते हो। चीजों को हैंडल करना आना चाहिए, उसको प्लीज समझो, ठीक है ना। तो अगर ऑलरेडी आप सबको वार्निंग मिल चुका है, जो बच्चे क्लास में फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, पहले भी बात बैच बात करते, तो वो सब रेडार में मत आओ, ठीक है ना। क्लास को प्रॉपर समझो, ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा चीज होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज बना चार्ज होगा, हुआ। अब क्या वो आपका नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये एक्स आपका हेलोजन है। हेलोजन पास क्या बच्चों, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, तो क्या आया बच्चा, क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, लोन पे नीचे आया तो क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जिसने उस पर पॉजिटिव आएगा, क्या बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो क्या बना, आप ये क्या बना, ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज। फिर क्या आएगा, आएगा बच्चों, बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड से यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आया, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे आएगा बच्चों, या तो वो ऑर्थो पे आएगा या तो वो पैरा पोजिशन पे आएगा। रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ बन रहा है, या तो वो ऑर्थो बन रहा है या तो पैरा बन रहा है। क्या पैरा, क्या मेटा पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है बच्चा, हाँ या ना? आप बोलोगे मेटा पोजिशन पे आपका नो नेगेटिव बन रहा है, तो आप क्या देखो क्या होगा बच्चों, ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा, ये होगा पैरा, ऑर्थो मेटा एंड ये पैरा, तो ऐसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल पढ़ने वाले हैं। अभी आपको एग्जाम में उसका मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पार्ट देखो, यहाँ पे देखो पहला पार्ट के बच्चों, पहला पार्ट आपका हेलोजन रिएक्शन है। अब देखो ये क्या बच्चा, ये आपका Cl2 है, ये क्या बच्चा आपका Cl2 है, राइट, ये आपका Cl2 है। तो Cl बॉन्ड ऐसा होगा, यहाँ पे Cl, ये Cl बॉन्ड ऐसा होगा। अब देखो अब क्या बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी आपका Cl जुड़ा हो, तो क्या आएगा बच्चों, या तो आपका ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा या तो आपका पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, ये पार्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव बनेगा, तब जाके या तो ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो वो कैसे बनता है, ये कैसा बच्चों, ये दिया आपका एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका लूस एसिड है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बने बच्चों, दैट इज Cl नेगेटिव एंड C पॉजिटिव, होगा बच्चा, हाँ या ना, होगा ना। अब देखो अब क्या बच्चों, क्या होगा, ये इसे रिएक्ट होगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज Fe Cl4 नेगेटिव, बन गया, इससे बॉन्ड बन गया। अब बच्चा क्या बच्चों, अब क्या बच्चा, अब ये बच्चा दैट इज Cl पॉजिटिव बना। अब ये जो Cl पॉजिटिव कहाँ पर करेगा बच्चों, या तो ये जाएगा आपका यहाँ पर, या तो ये जाएगा आपका यहाँ पर। तो यही दिया बच्चों, कैसे दिया बच्चों, एक आपका मेजर दिया है, एक आपका माइनर दिया है। अभी ऑर्थो पे माइनर क्यों आया बच्चों, बिकॉज के क्या रीजन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इसका लोन पेयर है और यहाँ पे इसका लोन पेयर है, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें रिपल्शन क्रिएट होगा, तो क्या आप क्या बोलोगे, दिस इज द कैसा, ये कैसा होगा, ये आपका मेजर पार्ट, क्यों, आपका बॉन्ड एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे ये होगा आपका मेजर पार्ट। तो यहाँ पे इसको डाउट बच्चों, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका Cl पॉजिटिव। इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, नहीं समझ में आया? नहीं सर, मेरे को नहीं आया समझ में। ओके अब देखो लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड वो होता है ना जो आपके इलेक्ट्रॉन ले, मतलब कि जो देखो ये पार्ट,
ये आपका सीएल है, ये आपका सीएल है, राइट दिव्या? यस सर, अब देखो, अब मान के चलो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड बनता है, तो क्या होता है बच्चों, चार्ज आएगा। तो मान के चलो ये बॉन्ड ने यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन, इसने ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, वो क्या बनता है, वो आपका सीएल नेगेटिव बनेगा। एक क्या बनेगा बच्चों, एक आपका सीएल पॉजिटिव बनेगा, है ना? अब इतना पता चल, है ना, इतना पता चल। अब देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर आपका बेंजीन है, अगर आपका ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पर आपका हेलोजन है, तो आपका जो आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ बनता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आता है आपका ऑर्थो बनता है, नेगेटिव चार्ज आता है पैरा बनता है, हाँ है ना? इतना पसंद आया बच्चों दिव्या कि हाँ है ना? अब यस देखो, सर, अब देखो ये जो आपका सीएल माइनस है, क्या ये यहाँ पे अटैक करेगा? आप बोलोगे नहीं, कि बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, ये तो नहीं होगा। अब क्या देखो, इसलिए क्या दिया बच्चों, इसलिए आपको दिया आपका एनहाइड्रस एफएसएल। ये क्या बच्चों, ये आपका लूस एसिड है। क्या क्या कर बच्चों, ये जो ये इस इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा, क्या बनेगा, ये बनेगा दैट इज Fe Cl4 नेगेटिव बनाएगा। कौन बच्चा, Fe कौन, ये इसे रिएक्ट करेगा, Fe Cl3 + Cl-, तो क्या बना आपको, बना Fe Cl4 नेगेटिव। इतना पता चला? अब देखो सीएल नेगेटिव तो बॉन्ड बन गया, अब बच्चा क्या बच्चों, ये बच्चा ना दैट इज सीएल पॉजिटिव बच्चा। सीएल पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, या तो ये जाएगा ऑर्थो पे, या तो ये ऑर्थो पे जाएगा, या तो ये पैरा पे आएगा, हाँ या ना? यस है ना? अब देखो ये आपका बना, और ये आपका बना पैरा वाला पार्ट, और ये बनेगा आपका ऑर्थो वाला पार्ट। अब देखो जो आपका ऑर्थो वाला पार्ट कैसे, वो आपका माइनर है, माइनर मतलब क्या बच्चों, वो कम बनेगा। रीजनिंग क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा रिपल्शन, पास ग्रुप है तो क्या होगा आपका रिपल्शन क्रिएट होगा, और एक क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका मेजर पार्ट। इतना पार्ट सब समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर, आ गया सर। जो अब हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा सीएल ऐड होने से, उसका क्या होगा? उसका मैकेनिज्म है, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी मैकेनिज्म के बारे में आपको इतना डीप जानकारी होती है, आप खाली ये देखो कि कहाँ पे वो चीज बन रहा है, ठीक है ना? क्योंकि तो सिंपल सी बात है, जहां पे मैकेनिज्म आता है आपको वहां फोकस करना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अब मैं आपको ये बोलता हूँ, आपको SN1 का मैकेनिज्म आना चाहिए, क्यों? बिकॉज वो आपका NCERT में दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो जहां जहां मैकेनिज्म आएगा उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है, पढ़ाई करना है, ठीक है? अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं आपको प्रश्न सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी क्लास के दौरान उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो टाइम चला जाएगा, ठीक है? यस सर, अब देखो, अब ये पार्ट, अब होता है, अब ये क्या बच्चों, ये आपका है H1O3, और ये क्या दे बच्चों, यहाँ पे आपका दिया है H2SO4। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये बने, ये जो इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका NO2 पॉजिटिव। ये क्या बच्चों, ये होगा इसका इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा बच्चों, या तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, या तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। अब देखो जिन बच्चों को मैकेनिज्म चाहिए, जिन बच्चों लोग को मैकेनिज्म चाहिए कि आपका HNO3 + H2SO4 जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, तो यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 पॉजिटिव कैसे बनता है, अगर आपको ये जानना है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, आज रात को मैं आज रात को आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? जिनको जानने की इच्छा है तो, ठीक है ना? राइट right? यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो क्या बचेगा बच्चों, या तो ग्रुप में ऑर्थो पर जाएगा, डाल देना हाँ ठीक है, ऐसा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई तो आप बढ़ लें, ठीक है ना? यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका NO2 पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट है, तो क्या बना बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ के लिखा है आपके कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पर सीट। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे आपका SO3H, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका पॉजिटिव बनता है, ये आपका बनता है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे आपका देखो, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा मैं बता दो कैसे बनता होगा, कैसे बनता है, ये देखो ऐसा बनता होगा H2SO4, ऐसा होगा देखो, S डबल बॉन्ड O, OH, ये क्या बच्चों, ये H2SO4 है कि नहीं, हाँ है ना? H2SO4 है, बोलो बच्चे, है ना? यस सर, ये आपका H2SO4 है। अब क्या हो बच्चे, देखो
आपका और एक H2SO4 क्या आपका होगा, आपका और एक आपका H2SO4 होगा। तो बच्चों होगा आपका और एक H2SO4 होगा। अब देखो होता क्या बच्चों, ये एसिड है, एसिड क्या करे बच्चों, ये आपका H+ इस करे, अब H+ कहाँ से इस करे, यहाँ से करके ना ऐसा होगा। देखो ये OH है तो बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक हो तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा O नेगेटिव और H पॉजिटिव, है ना बच्चों? हाँ है ना, बनेगा। अभी के बच्चों, अभी के बच्चों आपका H पॉजिटिव है, अब के बच्चों आपका H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या आपका, ये आपका बन गया दूसरा। अब देखो वो ऑक्सीजन के पास क्या आपका लोन पर है, अभी आपका H पॉजिटिव के आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा इसको देगा तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा ये, ऐसा बन जाए तो ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए तो ये H बना और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या बना बच्चों इस रिएक्शन में। अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा अभी आपका क्या बना, ये आपका ओ ओ एच एच मतलब वाटर बना। अब क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा है ना, तो जैसे बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस क्या हो जाए बच्चों, न्यूट्रल बन गए, न्यूट्रल हो गया और क्या बन गया आपका वाटर बन गया, और क्या बच्चों यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बना, ऐसा बना बच्चों SO3H+, ये क्या बना बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल बना और क्या बना आपका, आपका वाटर बन के निकल गया। सच पढ़ा बच्चों, यस से वाला पार्ट, हाँ है ना। अब देखो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं आपको वापस एक बार वापस बताता हूँ। देखो वैसे क्या होगा, देखो जैसे जैसे आपका ये H2SO4 वाला पार्ट है, H2O3 वाला भी सेम ऐसे ही पार्ट है, ऐसे ही होता है। अब देखो ये वाला पार्ट वापस बता, ध्यान समझना, ध्यान समझ कैसे हो, देखो H2SO4 आपका क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ आपका SO3H+ कैसे बन रहा होगा, ये बता रहा हूँ। देखो होता क्या बच्चों, देखो ये आपका H2SO4 है, ये पहला मोल आपका H2SO4 है, ये आपका दूसरा H2SO4 है, राइट बच्चा? यहाँ पे जो डाउट बच्चों किसी बच्चे को, हाँ यार जल्दी बताओ, नो ना। नो सर। अब देखो H2SO4 क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो कहाँ से, देखो क्या H+ करेगा तो ये बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ऐसा बना दैट इज H पॉजिटिव O नेगेटिव बना बच्चा, हाँ है ना। अब देखो ये H पॉजिटिव है तो क्या होगा, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा आपका ऑक्सीजन देगा, क्या होगा ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन तो क्या बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या होगा बने, बॉन्ड बनेगा यहाँ पे O है, यहाँ पे एक H बना और यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव बना, क्या बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बच्चों, ये अभी आपका ऐसा है ऑक्सीजन है और आपका दो वाटर है। अब देखो वाटर क्या बच्चों, ये आपका गुड लिविंग मतलब कि आपका ये तो आपका एंट्रोपी डिक्रीज होती है, क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक कैसा होगा बच्चों, ऐसा बनेगा ये होगा आपका नेगेटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव, हो कि नहीं हो बच्चों, और ये बॉन्ड हट जाएगा। अब देखो अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, क्या न्यूट्रल हो गया और क्या बन गया वाटर बन गया और क्या बना बच्चों आपका HSO3H, ये आपका बन गया, ये क्या बना आपका कैसे बना दैट इज SO3H पॉजिटिव बना और आपका वाटर बन गया, समझ गए बच्चा अल्पान। अब देखो ये जो आपका पॉजिटिव, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पे अटैक है बच्चों, या तो ऑर्थो पे करता है या तो आपका पैरा पे करेगा, ठीक है तो क्या करता है जो आपको जो पैरा वाला पार्ट है ये इसका मेजर प्रोटीन बच्चों, इतना पार्ट समझ बच्चों, हाँ है ना। अब देखो इसका नाम देखो, इसका नाम देखो क्या लिखा बच्चों, 4-क्लोरो-बेंजीन-सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अगर आपका बेंजीन है और उसके ऊपर क्या बच्चों, आप उसके ऊपर क्या आपका SO3H ग्रुप है तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, उसमें क्या आपका बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। अब नंबर नंबर कैसे करेंगे बच्चों, नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो क्या होगा बच्चों 4-क्लोरो-बेंजीन-सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर आएगा, इतना पार्ट सारे बस समझ गए, हाँ या ना, सारे बच्चे ओके बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका फ्लूइड का फ्रैक्शन। अब देखो इससे क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम करते हैं आपका अल्कालेशन, क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम अल्कालेशन कहते हैं, इसे मतलब आपका एसिलेशन बोलते हैं। अब तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है पार्ट, देखो ये वाला पार्ट ऐसा ना देखो दैट इज CH3Cl, है ना, ये ऐसा है कि नहीं बच्चों, ये क्या ये वाला पार्ट दिया ना,
है ना। अब देखो एक के बच्चों ये क्या है, ये आपका है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका लुईस एसिड, ये होता है आपका लुईस एसिड होता है। बिकॉज क्या होता है बच्चों, जो आपका एल्यूमिनियम है उसका पूरा पूरा नहीं होता, क्या 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 करे बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो बॉन्ड कैसे, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, दो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, ये बॉन्ड आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, तो क्या बना ऐसा बना बच्चों, दैट इज CH3 पॉजिटिव NCl नेगेटिव। हाँ है ना बच्चों, हाँ है ना, बनेगा। अब देखो ये क्या हो बच्चों, देखो ये आप यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ऐसा पार्ट है दैट इज AlCl3, अब ये ऐड करके ये ऐसा बनेगा दैट इज AlCl4 नेगेटिव बना देगा। अब क्या बचा, ये पॉजिटिव बचा, और ये पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, या तो ऑर्थो पे करेगा या तो ये पैरा पे करेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो पैरल पार्ट है ये आपका मेजर प्रोटीन बच्चों। सर इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ है ना। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है दैट इज 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम है। तो 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन इसका नाम है, ठीक है ना। तो कहाँ से है बच्चों ये, 1, 2, 3, 4 आपका ऐसा नंबरिंग आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलर देखो, अब ये एल पार्ट एल्केलेशन पार्ट है, अब ये एसिलेशन पार्ट है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये एल पार्ट अगेन ऐसा ही है, अगेन यहाँ पे क्या बच्चों, एनहाइड्रस सेल से थ्री है, लूस एसिड क्या करेगा, ये आपका सेल माइनस ले लेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। और क्या आप कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा या तो यहाँ पे नेगेटिव बने, तो क्या अटैक करेगा बच्चों, या तो ये ऑर्थो पर जाएगा या तो ये पैरा पर जाएगा। तो क्या है बच्चों, पैरा जो पार्ट है ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना पार्ट सब समझ आया बच्चों, हाँ है ना। और एक बात बच्चों, और एक बात जो ये वाला पार्ट, अगर आपको देखो, अगर आपका बेंजीन है, क्या बच्चों आपका बेंजीन है, ओ बेंजीन डाल दिया यहाँ पे, क्या बच्चों ऐसा पार्ट दैट इज C(OH)CH3, ठीक है ना। इसके नाम क्या बच्चों, इसके नाम है आपका, इसके नाम आपका है एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसके बच्चों, एसिटोफिनोन इसका नाम है। क्या बच्चों इसका नाम आपका, एसिटोफिनोन इसका नाम है, ठीक है ना। अभी आपको होमवर्क है बच्चों आपके, ये है कि जो आपका एसिटोफिनोन है इसका IUPAC ने मुझे जानना है, इसका मुझे IUPAC ने जानना है। और एक बच्चों देखो, ये आपका एक अल्काइल ग्रुप होगा, ये आपका एक अल्काइल ग्रुप होगा, और ये आप ये पार्ट ये इसमें जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर में जाता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आपको इसका, आपको मुझे इसका IUPAC बताना है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये आपका IMB वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों कि नेगेटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है, सारे समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों लोग को अच्छे से। हाँ दिव्यांश बोलो। सर ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है सर? मैंने आपको देखो, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो होता क्या ना, अगर आपका जो ऑर्थोल पार्ट है यहाँ पे क्या है, देखो क्लोरीन है ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका लोन पे होगा, यहाँ पे आपका लोन पे होगा, है ना। यहाँ पे क्या वाटर में ऑक्सीजन में क्या बच्चों, यहाँ पे भी आपका लोन पे है ना। एक तो बल्कि ग्रुप है, क्या होगा रिपल्शन का, तो ऑर्थोल पार्ट क्या होगा, ये आपका जब माइनर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेजर पार्ट, क्यों यहाँ पे रिपल्शन कम है, सिंपल सी बात है, इसको आप लेके चलो, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए, आगे दिवांशु और कुछ पूछना है, दिवांशु यस सर। ओके ना, डन, आगे बढ़े, हाँ जी सर, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो इधर ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, एक के बजाय ये देखो ये कैसे बच्चों, ये आपके फ्लो चार्ट है कि आप कैसे हम बना सकते हैं बच्चों को। जैसे देखो हमने FeCl3 यूज किया, डार्क में क्या बना आपका ये पार्ट बन गया, हमने नाइट्रेशन किया, ठीक है बच्चों, हमने सल्फोनेशन किया, और ठीक है बच्चों हमने फ्यूलिक ऑफ अल्केशन किया बच्चों। ये सब क्या है, ये सब आपके आंसर है जो आपको पूरा टैली करना है, जितना भी हमने पूरा पार्ट पढ़ाई किया बच्चों ये पूरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बच्चों ये आपका किस में काम आएगा, यहाँ पे आपका ये रिविजन में काम आएगा। डन में पेरे बच्चों, हाँ है ना, ओके। अगर आप इतना पार्ट प्रॉपर समझ रहे तो आगे वाला पार्ट और इजी समझ में आएगा, ठीक है डन। अब ये वाला पार्ट अगर आप देख लो, प्रॉब्लम देख लो, अगर यहाँ पे किसी डाउट हो तो, हाँ जो मैकेनिज्म पार्ट है कैसे बनता है आपका रेडिकल इलेक्ट्रोफिल बनता है, वो मैं आपको ग्रुप में आज आज मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। या तो आज डाल दूंगा या तो मैं आपको कल सुबह डाल दूंगा, ठीक है बच्चा।
बच्चे? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मुझे अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका वुड रिएक्शन। अब मैं बोलूंगा ये जो नेम रिएक्शन है, ये जो आपका नेम रिएक्शन है बच्चा, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, कौन पढ़ना चाहेगा, कौन पढ़ेगा, बोले बताओ कौन पढ़ने वाला है। केशव पढ़ो। वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ओके, ये क्या बच्चों, ये आपका पहला नेम रिएक्शन, कौन सा बच्चों? वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ वो होता है कि बच्चों को यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होगा किससे बच्चों? सोडियम इन ड्राई ईथर। हाँ देखो, अब ये पता, मांग चो मैं, मेरा मांग चो मैं ऐसे कुछ दिया, दैट इज CH3 CH2 CH2 दिया, ये मिल गया बच्चों। और कितने बच्चों मैंने इसके, मैंने इसके लिया 2 मोल, इसका मैंने आपका 2 मोल दिया। और हाँ, ये आपको नंबर ऑफ मोल भी स्पेसिफिक करना बहुत जरूरी है। और मेरे के लिए बच्चों मैंने लिया, आपने लिखा आपका 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ऊपर एरो डाला, ऊपर के लिए बच्चों लिखा मैंने, आप लिखा आपका लिखा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर डाल दिया बच्चों। अब क्या होगा, अब इसके आंसर क्या है देखो, ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा आपका आर पार्ट है और ये आपका हेलोजन, तो एक्सल पार्ट दैट इज आर एक्स है राइट बच्चों। तो आपको हो क्या बच्चों, जितना भी आपका कार्बन हो क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा। देखो आपको, आपको जब भी ध्यान करना, ध्यान रखना पड़ेगा, और आपका कार्बन डबल हो रहा है तो वो कौन सा नेम रिएक्शन बच्चों, कैसा रिएक्शन है वो, आपका वुड्स रिएक्शन। अब देखो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर आएगा दैट इज CH3 CH2 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 CH3 +2NaBr। ये क्या बच्चों, ये इसका आंसर है। तो मतलब क्या हो बच्चों, देखो पहले कितना था, पहले आपका 3 कार्बन चेन था बच्चों, अब कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 6 कार्बन का चेन हो गया। ये क्या बच्चों, ये आपका वुड सेक्शन। रीजन क्या था बच्चों? 2 मोल सोडियम इन ड्राई, सोडियम इन ड्राई ईथर इसका सॉल्वेंट है, ये इसका वुड सेक्शन का इसका एग्जाम्पल। समझे बच्चों? हाँ या ना यस सारे बच्चे? तो यस सर, इतना पढ़ा को प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है ना? दिव्यांशु, आकांक्षा, कृष, आयुष, अवंतिका, यस सर, यस सर, और कौन कौन है बच्चों, इतने सारे लोग, रोहित, आकांक्षा, अनाया, यस अंकुश, अनिष्का, अंशुमान, आर्यन, अतुल, आर्यन में सबको, ईशान, मनीष, सर, ऋषभ, ऋतिक, सोमदत्त, द कमिश्नर, आ रहे समझ में? विवेक, सर, थैंक यू पंकज, पता नहीं, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते, ये आपका पहला नेम लिस्ट। दूसरे क्या बच्चों, देखो दूसरे कौन सा नेम लिस्ट आता है बच्चों, दूसरा आपका आता है ये अल्फा, कौन सा बच्चों? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो देखो एक ट्रिक है, देखो एक ट्रिक क्या बच्चों, एक ट्रिक ये बच्चों, जब हम बात करते हैं वुड सल्फा, जब हम बात करते हैं वुड सल्फा, वहां पे क्या है बच्चों, वहां पे आपका अल्काइल ग्रुप आएगा। जब हम बात करते हैं फिटिक वाला पार्ट, क्या है बच्चों, फिटिक वाला पार्ट, उसमें क्या है बच्चों, क्या आएगा उसमें, आपके उसमें आएगा आपका फिनाइल वाला पार्ट। और हम बात करते हैं फिटिक वाला, देखो जैसे रियल बेस के लिए बच्चों रिएक्शन मेटल, और लिखा है, लिखा है आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब सपोज करो आपको ऐसा कुछ दिया है, आपका ऐसा कुछ दिया गया, देखो ऐसा दिया है, दैट इज यहाँ पे दिया गया होगा आपका बेंजीन, और यहाँ पे लिखा होगा आपका बी आर, दोनों बेंजीन दिया होगा, और यहाँ पे लिखा होगा आपका सोडियम प्लस, और यहाँ पे आपका कोई भी अल्काइल हो, जैसे मैं बोलता आपका लिखा होगा CH3 CH2 Br, ये आपका लिखा होगा। और आपको बोलेंगे इन ड्राइट, आपको पूछे कौन सा रिएक्शन कैसा है बच्चों, ये आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। करने के बच्चे देखो, करने के बच्चे बहुत सिंपल है, ये आपका फिनाइल है और ये आपका अल्काइल ग्रुप, उसको ऐड करना। कैसा ऐसा होगा बच्चे, तो कैसा पार्ट होगा, ये लिया, ये लिया आपने बेंजीन, पर ये बच्चों आपने लिखा है पे CH2 CH3, क्या बना बच्चों,
क्या बना, ये बना आपका बन गया इथाइल बेंजीन। क्या बना बच्चों यहाँ पे आपका, इथाइल बेंजीन बना। ठीक है बच्चों, इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों। प्लस क्या बने बच्चों, बने आपका एन ए बी आर। इतना पर सब समझ में आया बच्चों, आया ना? यस यस सर। यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो एक आपका कोई भी आपका हेलो अरिन बन रहा है, यहाँ पे आपका हेलो अरिन किससे रिलेटेड हो रहा बच्चों, यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड, तो ये आपको पता चल। इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसमें क्या आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बच्चों का आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन होगा। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, आया ना? यस सर। यस सर। चलो यस, अभी अभी है ना जो फिटिक रिएक्शन है ये पढ़ेंगे आपका दिव्या। पढ़ो दिव्या, पढ़ो बच्चा। Aryl halides also gives the analogous compound when they treated with sodium in dry ether, in which two aryl group are joined together, is called fitting reaction. Fitting reaction, तो उसको fitting बोलेंगे। देखो, देखो अगर आपका, अगर आपको बोला गया fitting वाला part, तो fitting में क्या है बच्चों, आपका वहाँ पे दो phenyl ring आएगा। देखो ये वाला part, मान के चलो आपको ऐसा कुछ दिया, आपको ऐसा कुछ दे दिया जो बेंजीन दे दिया होगा, और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया होगा आपका, लिख दिया होगा बी आर, कितना मोल, टू मोल, प्लस क्या लिखा होगा आपका, लिखा होगा सोडियम इन ड्राई। क्या बनेगा बच्चों, ये आप कैसे बनेगा, ये बेंजीन है और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा ऐसा बेंजीन। तो क्या बना बच्चों, ये आपके बना, ये बना आपका डाई, क्या बना आपका यहाँ पे डाई फेनल। इतना पार्ट सब समझ गया बच्चों कि हमने पार्ट कैसे किया, तो ये कैसा बच्चों, ये आपका फिटिक रिएक्शन का एग्जांपल, ये आपका फिटिक रिएक्शन का एग्जांपल। सारे बच्चे समझ गए, डन? यस। ओके, अब अभी हमने ना तीन लेमिनेशन पढ़ा बच्चों, कौन सा लेमिनेशन पढ़ा हमने, तीन पढ़ा अभी, वुड्स रिएक्ट, एक हमने पढ़ा आपका वुड्स, एक हमने पढ़ा आपका वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन इसमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका, यहाँ आपका क्या, और आपका आर आर बनता है, मतलब क्या होगा बच्चों, जो जितना भी आपका कार्बन लिया होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो आपका डबल हो जाएगा। फिर मैं क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा आपका वुड्स और फिटिक, वुड्स और फिटिक पढ़ा। इसमें क्या लिया बच्चों, हमने क्या लिया, एक हमने एरोमेटिक रिंग लिया हेलोजन के साथ, और के लिए बच्चों हमने यहाँ पे आर एच लिया। क्या बना बच्चों, ये बना, दैट इज ये बना, और यहाँ पे हम आपका आर आ गया, मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग और आपका जो एलिफेटिंग है वो उसमें आपका बॉन्ड मिल रहा है। क्या देखा बच्चों, हमने दिखा फिटिक रिएक्शन, क्या देखा बच्चों आपका फिटिक रिएक्शन दिखा। फिटिक में क्या था बच्चों, क्या हुआ बच्चों, आप क्या बोलोगे, हमने क्या लिया, हमने आपका कोई भी दो मोल हेलोरिन लिया, दो मोल हेलोरिन लिया, या तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पे सी एल, और यहाँ लिखे मैंने आपको लिख दिया सोडियम इन ड्राई इथर। तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे आपका, बनेगा आपका डाइफिन, यहाँ पे आपका डाई फिनाइल बन जाएगा। तो ये पढ़ा आपको प्रॉपर पता चल, ये आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वुड्स, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। इतना पढ़ सारे बस समझ गए, आया ना? यस सर। यस सर। अब देखो ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे दिव्यांशु, पढ़ो बच्चा। Arrange the compounds of each set in the order of reactivity toward SN2 displacement. Okay. तो SN2 में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा वो आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर तो नाम देते क्या है, वन डिग्री। अब देखो हाँ वन डिग्री, आपने से बोला वन डिग्री का, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा वन डिग्री, कौन सा टू डिग्री, कौन सा थ्री डिग्री। तो कैसे करें बच्चों, सबको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर हम आगे बढ़ो। सारे बच्चे मैं आपका दो मिनट टाइम देता हूँ, आप प्लीज इन सबका स्ट्रक्चर बनाओ फिर हम आगे बढ़ो। सेकंड ऑप्शन एक बार ट्राई करो सर, बच्चों ऑप्शन ऑप्शन बनाएंगे उस दिन हम आगे बढ़ते। सारे बच्चे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो मैं बना रहा आपका टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर बनते हो, ब्यूटेन मतलब क्या होगा, चार कार्बन, एक दो तीन और एक चार, चौथा कार्बन। क्या बोला बच्चों, क्या करता हूँ मैं सेकंड पे, क्या बच्चों आपका एक बीआर वाला पार्ट है, सेकंड बी आर है, और सेकंड पे क्या बच्चों यहाँ पे आपका मिथाइल पार्ट है, एमिल पार्ट है। ठीक है बच्चों, मतलब कि मिथाइल ग्रुप सी थ्री लिख दो, यहाँ पे आपका सी थ्री है, यहाँ पे आपका एच है, यहाँ पे आपका एच है, यहाँ पे आपका एच है, एच है, और यहाँ पे एच है।
बच्चों सारे इसका अच्छा बनाओ और मुझे बताओ इसका डिग्री क्या आएगा, तो कैसा होगा बच्चों का, ये कैसा होगा, ये होगा आपका ट्रस्ट, ये होगा आपका ट्रस्ट। तो बच्चे आप क्या बोलोगे, ये ब्रोमीन है और ये आपका हाइड्रोजन, और अभी अभी क्या बच्चों यहाँ पे आपका उस कार्बन पे आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये पार्ट क्या बच्चों, देखो ये आपका एक अल्कल ग्रुप हो गया, ये वाला एक अल्कल ग्रुप हो गया, और आपका ये वाला आपका एक अल्कल ग्रुप हो गया। तो क्या बना बच्चों, ये आपका ट्रस्ट बना, तो ये तो आपका सबसे लास्ट आएगा। अब ये वाला कैसे बच्चों, ये वाला आपका प्राइमरी है। सारे बच्चे बनाओ, सच्चे बनाओ बच्चों, सारे बच्चे कम ऑन। यस सर, सेकंड प्राइमरी है। सेकंड वाला क्या होगा, प्राइमरी होगा, और ये वाला कैसा होगा बच्चों, टू ब्रो पेंटे, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा बच्चों, जल्दी बताओ कम ऑन। सर सेकंड, ये होगा आपका सेकंड ऑप्शन, कैसे पता चल बनाते हैं, कैसे देखो क्या बोला है, टू ब्रो पेंटेन, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच कर बना दिया, और क्या बच्चों आपका सेकंड पे क्या ब्रोमीन जुड़ा, तो यहाँ पे जो ब्रोमो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे सी थ्री आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका तीन हाइड्रोजन, क्या बना बच्चों, रियल पार्ट, ये आपका ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक एच क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होगा आपका सेवन, इतना परसेंट समझ गए बच्चों। तो ये क्या होगा, ये कैसा होगा, ये होगा ये आपका फास्ट रिएक्शन, एकदम से वाला दिव्यांशु आपने एकदम से, इतना पार्ट सारे बस समझ गए। हाँ या ना बच्चों, कम ऑन। यस सर, ओके विवेक, आयुष, आकांक्षा, पंकज, यस सर, यस सुंदर, सुंदर समझ में आ रहा सर, है। यस यस सर, सर, देखो बच्चों आपको है ना स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, ये भी आपके इम्पोर्टेंट थी, समझे ठीक है ना। आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। अब यस सर, यस सर, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दे, ठीक है ना। CH3, CH2, दिया। अंकिता बेटा आपका माइक ऑफ है, ऑन है, अब ऑफ कर लो, और यहाँ पे लिखते मैंने ये पार्ट, दैट इज CH3 CH2O। अब मुझे बताओ ये आपका कैसा रिएक्शन है, मुझे बताओ ये कैसा रिएक्शन, कौन बताएगा बच्चों ये कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, कौन बताएगा, ये आपका एलिमिनेशन है या आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जल्दी बताओ। अब एलिमिनेशन, 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 देखो आपको हमेशा ध्यान ध्यान बच्चों, अगर आपको मान लो आपका ये पार्ट दिया, देखो अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया होगा, दैट इज CH3 CWO ने दिया होगा, या तो K लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है बच्चों, ये आपके कैसा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करें बच्चों, ये आपका एक्सप्रेस को निकाल देगा। दूसरे स्टेप कैसा होगा, क्या क्या लिखा होगा, लिखा होगा बच्चों, लिखा होगा अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एस, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों, क्या पसंद आया बच्चों, आया ना, यस सर, इससे क्या लिखा होगा, अगर आपको इससे लिखा होगा बेस इथेनॉल और आप हीट लिखा होगा, क्या होगा बच्चों, वो भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये कैसा होगा बच्चों, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तो कौन सा एलिमिनेशन बच्चों, ये कैसा है, ये आपका बीटा वाला पार्ट है, उसका आंसर क्या आएगा, कैसा आएगा आएगा बच्चों, तो कैसा आएगा, दैट इज क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, हो गया अल्फा, हो गया बीटा, हाँ है ना बच्चों, होगा यस बेसे, बेसे क्या करेगा बच्चों, बेसे करेगा, बेसे ये आपका एच प्लस निकलेगा, और ये बनेगा नेगेटिव पार्ट, अब क्या होगा बच्चों, होगा ये Br है, ये बी आर एस निकलेगा, तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसर का बच्चों कैंसर ही आएगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड। सब कुछ समझे बच्चों, हमने कैसे क्या पार्ट किया सारे बच्चे, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। और देखो हमने जितना भी पढ़ा एक बार सारे बच्चे रिवाइज कर लो प्रॉपरली, ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिर आपका ये पूरा पार्ट, क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाई,
ठीक है, डन। यस सर। यस सर। अब देखो अभी क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका रिएक्शन विद मेटोफेयर पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपका काफी मैं बोलूंगा एंट्रेंस में, आपका एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन 100% है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा। बिकॉज 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर, इन सब में क्या बच्चों, इन सब में आपका रिकार्ड, आपका रिकार्ड रेजेंट के ऊपर क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता ही, हमेशा क्वेश्चन से आता ही है बच्चों। ठीक है सारे बच्चे, यस या नो? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों अभी मैं आपको 15 मिनट में आपको बताता हूँ इसका हम इसको कैसे करते हो, ध्यान समझो। ये क्या बच्चों, देखो ये कैसे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका आर एक्स है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा आपका मैग्नीशियम इन ड्राई इथर। तो क्या बने बच्चों, यहाँ पे आपका रिग्नार्ड रिजिड है, क्या होता है बच्चों, क्या करेगा ये जो एम जी कहाँ पे बच्चों, ये आपका आर और एक्स के बीच में आ जाएगा, क्या बने बच्चों, ऐसा बन जाएगा दैट इज आर एम जी एक्स बनाए, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं आपका रिग्नार्ड, क्या कहते हैं इसका, हम इसको रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इतना पर समझिए बच्चों, हाँ है ना सर। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना बच्चों, क्या बना आपका, यहाँ पे आपका एक अल्काइल ग्रुप बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे आपका मेटल बॉन्ड है और यहाँ पे एक हैलोजन बॉन्ड है। तो होता क्या बच्चों, होता क्या देखो, ये कार्बन है और ये आपका मेटल है, एमजी के बच्चों मेटल है, हाँ है ना, एमजी का मैग्नीशियम क्या है, मेटल है ना, सोडियम मैग्नीशियम ये सब आपका मेटल वाला पार्ट आता है। देखो होते क्या बच्चों, देखो जब हम बात करते हैं कार्बन और मेटल में तो क्या होता है बच्चों, जो कार्बन होता है ये आपका सबसे, देखो कार्बन और मेटल में आपका मेटल जो कार्बन है आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों कैसे होगा बॉन्ड आपका इससे ब्रेक, यहाँ पे क्या बच्चों बॉन्ड किस होगा, बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, कितना परसेंट बच्चों, हाँ है ना, होगा। यस सर। यस देखो वापस बता, देखो वापस बता रहा हूँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है बॉन्ड आपका उस साइड ब्रेक होता है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आर मतलब क्या है, कार्बन है, तो कार्बन और मेटल में आपका कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव बना, यहाँ पे पॉजिटिव बना। अब देखो अब सिंपल चलते, ये क्या हैलोजन है, हैलोजन सबसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिव होता है, तो क्या होगा जो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, कैसा ऐसा बनेगा, ये बने नेगेटिव और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे मैग्नीशियम क्या आया बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आया, इतना पर सब समझ में आया बच्चों, आया ना? यस यस सर। अभी आपके बोलो, अभी आपके बोलो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो आर नेगेटिव होगा ये क्या बनेगा, क्या करेगा बच्चों, ये एक्ट से, ये एक्ट से न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट से न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, ये अभी आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, कौन सा आपका आर नेगेटिव, इतना पर समझिए बच्चों, आया ना? अब देखो देखो हाँ, अब देखो जैसे ये बेटा आप प्लीज सब पढ़ लोगे, यहाँ यहाँ से पढ़ पाओगे मेरे लिए प्लीज एक बार जरा, रिएक्शन विद मेटल्स। हाँ, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स, सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड बाय विक्टर Grignard in 1900 is alkyl magnesium halide RMGX referred as Grignard reagents. These reagents are obtained by the reaction of haloalkanes with magnesium metal in dry ether. Okay. तो इससे क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं आपका अल्काइल। अल्काइल क्यों बोला बच्चों, बिकॉज आपका आर आता है तो अल्काइल आ गया, क्या बोला बच्चों, मैग्नीशियम, क्यों मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है ना, और हैलाइड के वाले से इसमें क्या था, इसमें आपका हैलोजन गया, इतना पर सब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये आप कैसे देखो, अगर आप देखो अगर आपको ऐसे बोलेंगे, अगर देखो मान के आपको ऐसे बोलेंगे प्रिपेयर मैग्नीश, आपको ऐसे बोलेंगे प्रिपेयर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मान के आपको ऐसे बोलेंगे प्रिपेयर मिथाइल, ऐसे बोलेंगे बोलेंगे आपको बोलेंगे प्रिपेयर मिथाइल मैग्नीशियम,
तो क्या करो बच्चों, आपको कुछ बहुत सिंपल, बहुत कैसे, बहुत सिंपल कैसे करोगे, देखो आप एक मिथाइल ब्रोमाइड लोगे, क्या कैसे लोगे, दैट इज CH3Br। ठीक है बच्चों, ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, और क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे लोगे मैग्नीशियम। क्या करो बच्चों, ड्राई इथर में ऐड कर दो, क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा दैट इज CH3MgBr। क्या बना बच्चों, ये बना, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका मिथाइल, दैट इज अल्काइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि हलाइड होगा। इतना पढ़ सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। अभी मैंने आपको, अभी मैंने आपको जो ये बॉन्ड बता दो, अभी जो बताया आपका, ये जो जो आपका कार्बन मेटल जो बॉन्ड अलग होगा वो मैं बोल रहा हूँ, अगेन बोल दो, क्या होगा देखो, बता रहे हो, कार्बन और मेटल में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच्चों, कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्या होगा आपका बॉन्ड आपका इस साइड ब्रेक। सिमिलरली देखो, सिमिलरली मैं बताता हूँ, मेटल और हेलोजन में क्या होगा बच्चों, हेलोजन सबसे इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बच्चों, क्या बॉन्ड बॉन्ड आपका इस साइड ब्रेक होगा, तो जिस साइड आपका बॉन्ड ब्रेक होगा क्या होगा बच्चों, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका नेगेटिव साइन आएगा बच्चों। इतना पढ़ सर समझ गए, हाँ या ना? यस सर। ये दिख रहा है सर बच्चों? यस सर। अब देखो मैं चाहता हूँ ये बच्चा और भी पढ़े, कौन पढ़ेगा हैंड रेज करो, शुभम पढ़ोगे? शुभम हाँ, हाँ शुभम पढ़ो, पढ़ो। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट बट हाइली पोलर, इन कार्बन किलोमीटर दूर से तो सही पढ़ रहे हैं। शुभम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना, एक काम करता हूँ पढ़ो, क्या लिखा देखो, पहले से देखो क्या लिखा है, बोलो क्या हो, क्या वो बोल रहे हो जिसका, सर आप यारी आपने क्यों रखा है ईयरफोन और मुंह के पास? नहीं मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको सबको अच्छे से? यस सर आपकी आ रही है। तो केशव ने भी किया था सर हेनरी। यस हाँ केशव, हाँ केशव पढ़ो जरा, पढ़ो। In the Grignard reagent, the carbon-magnesium bond is covalent but highly polar, with carbon pulling electrons from electropositive magnesium. The magnesium halogen bond is essentially ionic. हाँ अब देखो ये पता होना चाहिए, देखो अगर आप पूछेंगे आपका यहाँ पे आपका R और Mg का जो बॉन्ड है कैसे बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक हिसाब का ये आपका, ये हिसाब का आयनिक बॉन्ड है, ये आपका आयनिक बॉन्ड। आगे पढ़ो, Grignard reagent, Grignard reagents are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbons. Even water alcohol, amines and sufficiently acidic to convert them to corresponding hydrocarbons. बच्चों ये आपका क्या बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन। अब देखो ये अल्फा, अब देखो अब क्या होगा बच्चों, ये अल्फा देखो अब कैसे, ये आपका आर है, ये आपका आर एम जी एक्स है। अब देखो क्या बच्चों, लिया वाटर दिया, देखो ये आपका वाटर दिया बच्चों, अब देखो वाटर कैसे ऐसा होगा, तो कैसा बनेगा, दैट इज एच पोस्ट, देखो ये अल्फा है ना। अब जैसे आपका ये आपका वाटर से क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा यहाँ आपका R और H का बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका एम जी ओ एच एक्स ये बन जाएगा। पार्ट सारे बच्चे जो ये पार्ट किस ऐसा होगा, देखो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव होगा बच्चा, आया ना होगा, अरे बोलो बच्चों होगा yes, हो ना। अब देखो ये बॉन्ड कैसे बच्चों, ये आपका बॉन्ड ऐसे ऐसा बनेगा, आर नेगेटिव एम जी एक्स पॉजिटिव होगा कि होगा बच्चों, क्या क्या बोला बच्चों, आपने H2O के बाद भी प्लस ही लगाया है, अब ठीक है। अब ये बॉन्ड होते क्या हो बच्चों, देखो ये आर नेगेटिव क्या हो बच्चों, ये आर नेगेटिव आपका O H प्लस पे अटैक करेगा, और क्या बच्चों ये पार्ट है एम जी एक्स वाला पार्ट, क्या होगा बच्चों, क्या बने आपका, ये बने आपका, ये आपका बने आपका एम जी Mg OH XC आपका समझ, इतना पर सब समझ गए बच्चों, हाँ है ना? अब देखो मांग के, अब देखो ये अल्पार्ट, ये दिख रहा है अल्पार्ट, ये देखिए सारे बच्चों ये अल्पार्ट दिख रहा है, यस सर। अब देखो ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका एंट्रेंस में सर एग्जाम पूछा जाता है, मांग के चलो आपको एग्जाम में इतना पार्ट पूछा, इतना पार्ट आपको पूछा, इतना पार्ट आपको पूछा,
कैसे हो दो तो सबसे सचा कैसा होगा, ऐसा होगा दैट इज सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री आएगा है ना। ओके बच्चों इससे हम अब यस सर। यहाँ पे दिया बच्चों, यहाँ पे दिया दैट इज सी एस थ्री एम जी आई राइट ऐसा दिया है। अब देखो ये सब बॉन्ड तो क्या होता है, ये बॉन्ड सब देखो कैसा बनेगा दैट इज सी एस थ्री नेगेटिव एम जी आई होगा बच्चों है ना होगा। यस अब देखो अब मुझे बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन से बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलो ऑक्सीजन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जाओ बच्चों, ये बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा बनेगा दैट इज सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव एंड सी एस थ्री राइट। अब क्या होगा ये क्या बच्चों, ये आपका सी एस थ्री एच ये सी एस थ्री नेगेटिव क्या होगा, ये क्या पॉजिटिव है, अब ये अटैक करेगा यहाँ पर तो बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा, ये आपका बैक साइड पर अटैक करेगा, ऐसा बन जाएगा ये बॉन्ड ऐसा बनेगा बनेगा बच्चों हाँ ना बोलो बच्चा। ठीक यस है आपका हाइड्रेस आपके यहाँ पे आपका वाटर बन गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं ठीक है ना, तो जब जब हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तब तो और अच्छे समझ जाएगा। अभी तो आपको बता दो कैसे इसको निकालना है ठीक है, मान के चलो आपको एग्जाम में से कुछ दिया, देखो मान के चलो आपको एग्जाम में से कुछ दिया है दैट इज सी एस थ्री सी एस टू सी ए ये दे दिया बच्चों, और आपको ऐसे दे दिया आपका एम जी एंड ट्राई इथर यहाँ पे लिखा होगा ए लिख दिया होगा, और आपको बोलेंगे जो आपका ए है ये आपका रिएक्ट कर रहा है किससे, कैसे रिएक्ट कर रहा है आपको कर रहा है आपका वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और आपको आपको बोलना है आपको बताना है कि बी क्या है आपको इसके करना पड़ेगा। तो कैसे करो बच्चों जल्दी बताओ कैसे क्या इसका आंसर क्या आएगा, मान के चलो आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे ओके क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप ए बनाओगे ए कैसे बनेगा तो कैसे होगा, ये आपका आर है ये आपका सी एल है, क्या होगा एम जी इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा कैसे ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा दैट इज सी एस थ्री सी एस टू एम जी सी एल होगा बच्चों आया ना होगा। यस सर हाँ देखो ये क्या बच्चों ये आए है तो क्या होगा ये एस बन गया दैट इज सी एस थ्री सी एस टू एम जी सी एल, बस क्या बोला आपको बोला है वाटर, वाटर का एक्चुअली कैसा बनेगा बच्चा होगा एच प्लस ओ एच माइनस। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखा ना बच्चों एम जी सी एल, अब देखो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम क्या होगा बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, बॉन्ड आपका ऐसे देखो तो कैसा बनेगा दैट इज सी एस थ्री सी एस टू नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा बच्चों है ना, तो क्या बच्चों एच प्लस एच यस प्लस इस पे अटैक तो क्या बनेगा ऐसा बनेगा दैट इज सी एस थ्री सी एच थ्री बना गया, तो क्या बना बच्चों क्या बना ये क्या बना ये बन गया आपका इथेन, ये क्या बना आपका इथेन बन गया जो क्या बच्चों ये जो कि आपका ये हाइड्रोकार्बन है बच्चा, और आपका इसमें ऐसे क्या है बच्चों प्लस क्या बना प्लस क्या बना बनेगा आपका एम जी ओ एच सी एल, ये आपका ठीक आंसर आ है गया ये इसका सच बच्चों, ये क्या बच्चों ये यस आपका स्टेप सर ये आपका स्टेप, तो आपको जो ये पार्ट है ये पार्ट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ये आपका आई पार्ट समझे सर बच्चे, केशव यस आयु सर जस्टिका दिव्या अंजतया यस दिव्यांशु सर आकांक्षा सारे बच्चों यस सर ओके। तो ऐसे आपको प्रॉपरली इसका रिकॉर्ड नहीं पाया पढ़ना है ठीक है ना, तो ये पार्ट खत्म होता है बच्चों मुझे, तो यहाँ पे इसको हम खत्म करेंगे कल जो क्लास होगा हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बारे में पढ़ाई करेंगे और आपका स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाई करेंगे ठीक है बच्चों डन। यस सर तो ये जो पूरा पार्ट बच्चों आपको एग्जाम्पल करना है बच्चों आपको एग्जाम्पल देखो एक बार सारे पार्ट देख लो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ठीक है ना, सब पूरा पार्ट देख लो फिर आपको देता हूँ यहाँ से देख लो इतना पढ़ देख लो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ठीक ज्यादा है दो तीन क्वेश्चन होते हैं। ये पार्ट आ गया यस सर फिर आपका नेम एक्शन भी आ गया
आपका ये आ गया आंसर। ये जो इसमें बॉन्ड नहीं बनाया बीच में, कैसे बनाया है बॉन्ड ड्राई इथर के बाद? इसकी बात करो ना, इसी बात करो ना, इसकी बात करो ना। हाँ तो कुछ नहीं ना, देखो ये ऐसा है ना, देखो ये बेंजीन है, ये देखो क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है बस, और कुछ नहीं। ये सर कार्बन, तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सर कार्बन ही तो है, बस बॉन्ड बना दिया, कुछ नहीं, सिंपल। दिव्या समझ में आया? हाँ दिव्या समझ में, नहीं सर। ओके कोई बात नहीं, अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, ठीक ना। अब मान के चलो आपको ऐसा बोला है, आपको ये दे देते, आपको ये दे देगा टेस्ट, आपको बोला है बेंजीन से डाई फिनाइल, आपको क्या पूछा, आपको बेंजीन से डाई फिनाइल बनाने बोला है, ये आप कैसे बनाओ, कैसे बनाओगे ये, आपको कैसे बोल सकते, ये आपका पहला स्टेप है और ये आपका लास्ट स्टेप है, मुझे बताओ बेंजीन से डाइफिनल कैसे बनाओ, बताओ जरा, कम ऑन कैसे करूं। बेंजीन से डाइफिनल कैसे बनाओ, कौन बोलेगा? देखो पहले स्टेप क्या हो बच्चों, क्या करोगे, देखो पहले आपको लोगो क्लोरेशन, कैसे करेंगे बच्चों, सिर दो और यहाँ पे दो आपका डार्क और यहाँ लिख दो आपका आयरन, क्या बने बच्चों, ये आपके ऐसा बन जाएगा, बना ऐसा यूरोबेंजीन बना, हाँ या ना, बनेगा यस सर, थैंक यस सर, थैंक यू सर। यूरोबेंजीन बना, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, सर अब इसके लिए इसका लिखो है दो मोल, लिखो दो मोल और यहाँ पे लिख दो आपका 2 मोल ऑफ सोडियम और यहाँ लिख दो आपका, लिख दो ड्राई के लिए, लिख दो आप, लिख दो यहाँ पे ड्राई इथर, क्या बन जाएगा, टाइफिन बन जाएगा आपका, और क्या बनेगा, कैसे बनेगा, प्लस आपका 2 मोल NaCl बन जाएगा, खत्म, सिंपल। देखो क्या, देखो ओके सर, आगे का मत। सिंपल, तो क्या हो अब यहाँ पे, क्या हो, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे होने क्या, देखो यहाँ पे होने क्या वाला बच्चों, देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या हो बच्चों, क्या होगा यहाँ पे आपका Cl और ये हट जाएगा, और क्या बच्चों क्या होगा आपका, तो आपका बेंजीन अटैच हो जाएगा, इतना परसेंट के बच्चों, देखो यस दिख रहा है, जी सर, यहाँ पे क्या दो, ये पार्ट क्या, ये पार्ट और ये पार्ट आपका लो, क्या पार्ट दो मोल, अभी से पूछ समझाए बच्चों, डन। केशव, यस सर, ऋषिका, आयुष सारे बच्चे, ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आई होप आप सभी क्लास में मजा आया होगा, राइट, यस सर, यस सर, यस सर।